Defence Minister Rajnath Singh had earlier filed his nomination from Lucknow for the Lok Sabha polls. Meanwhile, he has exclusively spoken to NewsX on various issues, whether it's the Ram Mandir, the ongoing caste quota war, and India's relations with neighbouring countries as well. Let's take a look at this conversation he's had with my colleague. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे साथ हैं। राजनाथ जी, कल बड़ा भव्य जो है आपका जुलूस था और मैंने देखा कि क्या उत्साह था लोगों में, जैसे लग रहा था कि नहीं, राजनाथ जी को जिताने के लिए पूरी जनता सड़कों पे थी। हमारे लिए भी अप्रत्याशित था, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि जनता का इस हद तक का स्नेह मुझे प्राप्त है। हाँ, लोग सड़क पे इतनी धूप में भी पैदल चले जा रहे थे और लगातार जो है आप भी उन पे फूल बरसाए जा रहे थे। स्वाभाविक है, ये आपस के दोनों लोगों का प्यार है मुझे लगता है। तो स्वाभाविक है, नहीं मैं तो प्यार करता ही हूँ और जनता का भी इसलिए मुझे प्राप्त है, मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। नाना जी, मेरे मन में एक बड़ा सवाल था कि अयोध्या का जब राम मंदिर, रामलला का जब को बिठाया जा रहा था, उस दौरान आप लोगों ने सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुलाया था, सभी विपक्ष के लोगों को बुलाया था, लेकिन कोई व्यक्ति आया नहीं है। ये मतलब अगर हम इसको समग्र रूप से देखें, एक बड़े स्तर पर देखें, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह का एक व्यवहार? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। हम लोगों ने राजनीति की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमारी राजनीति का आधार रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करने में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमारी सरकार ने नहीं किया है और समाज के सभी वर्गों को हमारी योजनाओं का पूरा लाभ मिला है। राजा जी, एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि आपने तीन तलाक को ख़त्म किया, लेकिन आपने हलाला ख़त्म कर दिया, आपने जो शोषण था महिलाओं का उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो कट्टर मौलाना हैं, कट्टरपंथी हैं, उनको ये भा नहीं रहा है? नहीं, बहुत, लेकिन बहुतों का समर्थन प्राप्त है। मैं कह मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये गलत प्रथा थी, समाप्त किया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा किया, स्वागत भी किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि किसी को थोड़ा बहुत कुछ भ्रम होगा तो समय के साथ वो सारे भ्रम दूर होंगे। कुछ लोगों का मैं देख रहा था माननीय राजनाथ की ये संभल में एक सभा में, जिसमें अखिलेश यादव थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज में ऐसा काम किया जो सब लोग थू थू करते हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके नाम पर वोट मांगा जा रहा है? ये तो विडम्बना है, और मैंने भारत की राजनीति की विडम्बना है, लेकिन एक भारत में हेल्दी डेमोक्रेसी है, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले राजनीतिक पार्टियों को जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद किसी भी सूरत में प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए उनकी दुर्गति भी हो रही है। रणजीत जी, 400 पार इस बार का ये बड़ा नारा आप लोगों ने लगाया है, क्या उम्मीद करते हैं कि 400 पार हो जाएगा? नहीं, लक्ष्य ये है कि हमारी NDA 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करें। आखिरी सवाल, पाकिस्तान और चाइना, इसको लेके आप अक्सर अपनी बात कहते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों देश हैं वो भारत के लिए किस तरीके से मित्रता, किस तरीके की शत्रुता दोनों रखते हैं? भारत का जहाँ तक प्रश्न है, भारत अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि हमारे अटल जी भी कहा करते थे कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते हैं। इसलिए अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन यदि किसी ने कुछ नापाक हरकत करने की यदि कोशिश की तो भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत किसी भी सूरत में अपने देश की सीमाओं के लिए कोई संकट पैदा नहीं होने देगा। 370 हटा के आपने दिखा भी दिया ये? हाँ, 370 हटा, और अब देखिए स्थिति पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में सामान्य है और वहाँ पर टूरिस्ट का नंबर भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है, विकास भी हो रहा है, विकास भी तेजी के साथ हो रहा है। पीओके के लोग भी हम मांग करेंगे कुछ समय के बाद कि हमको सीधे इसमें शामिल कर लिया, हाँ, मर्ज कर दिया जाए उसमें। मुझे लगता है आप भी उसी का इंतजार कर रहे हैं सिलेक्शन के बाद। मैं तो बहुत पहले, 2-3 साल पहले ही इसकी मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी। 400 पार जीतने के बाद ये हो जाएगा, तय हो जाएगा कि बस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीओके के लोग ही मांग करेंगे, खुद ही मांग करेंगे, बिल्कुल करना शुरू कर दिया है। 2-2.5 साल पहले मैंने बोला था, मैंने देखा कि उसके बाद टेलीविजन पर कि वहाँ के कुछ लोग मांग कर रहे थे, वहाँ हालात इतने खराब हैं, पाकिस्तान की जो हालत है वो बद से बदतर है, वहाँ खाने के लिए पानी नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा है, यही स्थिति है। कहीं पाकिस्तान वाले ही ना कह दें कि आप मुझे शामिल कर लेंगे भारत में। नहीं, कर देंगे तो वो खुशी की बात है, सर उनका स्वागत। देखिए राजनीति कितनी कठिन है कि दूसरी तरफ से इशारा हो रहा है कि नहीं, अब आपका हो गया, अब आप समेटिए। राजनीति में देखिए संयम बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि राजनाथ जी का इस मामले में जवाब नहीं है। हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे, बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ से मैं अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ से।
All right, there, of course, you all have heard my colleague Arvind Chaturvedi speak to Rajnath Singh. In fact, he's joining us live on the channel. He's the channel head for our Uttar Pradesh and Uttarakhand sister channel, India News. Arvind ji, aapne khoob sare muddo pe baat kiya hai, whether it is with our relations with our neighbors, Pakistan or China, whether it's the opposition in India, to which Rajnath Singh has stated that it's important for the democracy in India to be a healthy democracy. You've also spoken to him on the Char Sau Par goal, on the caste quota war, as well as Vikas in Jammu and Kashmir. What all has he highlighted in his speech up until now? And there's another very crucial statement that he's given exclusively to us regarding POK, and he's expressed confidence that POK wants to merge with India. हाँ, निश्चित रूप से राजनाथ सिंह ने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि आप देखेंगे आने वाले समय में कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा, और जो हालात हैं वो हमें यही बताते हैं। राजनाथ सिंह ने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर 400 का जो आंकड़ा हमने तय किया है, लक्ष्य तय किया है, हम उसको भी पार करेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाया है, उससे वहां का पर्यटन और वहां का जो विकास है बहुत तेजी के साथ हुआ है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि रक्षा मंत्री बहुत स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर हैं, और उन्होंने यहां भी ये कहा कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। वहां के हालात अगर आप देखिए तो उसपे क्या कहा जाए, वो तो दुनिया देख रही है, क्योंकि वहां पे महंगाई अपने चरम पे है, पेट्रोल का दाम अपने चरम पे है, राशन की बुरी हालत है। तो उसके लोग इसको भी लेके उन्होंने बड़ा विस्तार से बात किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जिस तरीके से गुंडागर्दी के नाम पे, अराजकता के नाम पे, माफियागिरी के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं, उसको जो है जनता स्वीकार नहीं करेगी। और कल जिस तरीके से इलेक्शन में भारी भीड़ आई थी, उससे राजनाथ सिंह बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी भीड़ जो है उनके नामांकन में आएगी, और काफी कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे। उनको लगता है कि नहीं, जनता के लिए हमने जो कुछ यहाँ पे लखनऊ में किया है उसका परिणाम हमें आने वाले चुनाव में रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेगा, और ये बेहद अहम था, बेहद महत्वपूर्ण था। जी, और उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में भी बात की। उन्होंने बोला कि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है एक लोकतांत्रिक नेशन में, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स द डेमोक्रेसी हेल्दी। निश्चित रूप से उनका कहना है कि भाई विपक्ष को भी अधिकार है, विपक्ष भी अपनी बात कहे, क्योंकि ये जो लोकतंत्र है वो सभी के लिए समान है, और शायद यही वो बात करना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से इसमें माहौल है, जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें सभी लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है लोकतंत्र की। आप देखिए कि कोई भी बहुत आसानी से डीप फेक वीडियो डाल दे रहा है, किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, जो बातें वो कहना चाहता है उसकी बातों का कुछ और निकल जा रहा है। तो पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें होती हैं, और मैं समझता हूँ कि राजनाथ सिंह बहुत ही अनुभवी नेता है, और उनको इस बात की जानकारी है कि नहीं हमें पर्दे के सामने क्या बोलना है और पर्दे के पीछे क्या करना है। All right, with that, I would like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those details with your exclusive conversation. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.